नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप वोडाफोन का लोगो किस तरीके से क्रिएट कर सकती हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या करना है, सिंपल एलिप्स लेना है। एलिप्स लेने के बाद आपको एक एलिप्स ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से, और इसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्शन टूल यूज़ करना है, शिफ्ट को दबा के रखना है और यहाँ से कॉर्नर से पकड़ करके इसको छोटा कर देना है इस तरीके से। राइट क्लिक कर दीजिए, ये छोटा हो गया। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक शेप्स का ऑप्शन होता है जिसमें कॉमन शेप होता है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से आपको शेप्स में जाना है और यहाँ से एक ट्रायंगल को सिलेक्ट कर लेना है और ट्रायंगल इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देना है। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर कंट्रोल क्यू करना है, F10 करना है और यहाँ पर क्लिक करके आपको कन्वर्ट लाइन टू कर्व का ऑप्शन यूज़ करना है और इसको थोड़ा सा आपको इस तरीके से तिरछा कर देना है ऐसे। उसके बाद इस पर क्लिक करिए, सेम एज इट इज़ कन्वर्ट लाइन टू कर्व लीजिए और इसको भी थोड़ा सा आप इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए। देन इसके बाद क्या करना है, आपको इसको उठा कर लाना है, डबल क्लिक करना है और यहाँ से इसको थोड़ा सा रोटेट कर देना है और उसके बाद इस एंगल को थोड़ा सा छोटा भी कर देना है इस तरीके से, और इसको उठा करके आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है इसके साथ बिल्कुल इस तरीके से, और वापस से आपको डबल क्लिक करके इस एरो को सिलेक्ट करके आपको इसको थोड़ा सा राउंड शेप देना है इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से, और इसको भी थोड़ा सा राउंड शेप दे देना है इस तरीके से, और सिलेक्शन टूल वापस से यूज़ करना है, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लेना है और उसके बाद इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके आपको L दबा देना है अपने कीबोर्ड से, लेफ्ट साइड में ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा, और उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से वेल्ड कर दीजिए। वेल्ड करने के बाद बिल्कुल ये जॉइंट हो जाएगा। डबल क्लिक करके इस एरोज़ को, यहाँ पर पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं थोड़े से टेढ़े मेढ़े, तो उसको डबल क्लिक करके एडजस्ट कर दीजिए बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। डबल क्लिक करके आप इस एंगल्स को यहाँ से फिनिश कर सकते हैं। ये देखिए, ये सीधा हो गया। सीधा होने के बाद इस तरीके से आपकी शेप आ जाएगी और उसके बाद आप इसके अंदर सेलेक्ट करके यहाँ पर वाइट कलर फिल कर दीजिए और इस एंगल के अंदर रेड कलर फिल कर दीजिए, और इन दोनों को सिलेक्ट करके आप इस तरीके से इसके अंदर इसकी आउटलाइन को फिनिश कर सकते हैं या तो फिर आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका कलर हमने कर दिया वाइट कलर और इसका कलर हमने कर दिया यहाँ से रेड कलर। तो ये बन गया हमारा वोडाफोन का लोगो। अब इसको ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप करने के बाद आप इसको यहाँ रखिए। अगर एंगल थोड़ा बहुत आपको अजीब लग रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, अनग्रुप करिए। डबल क्लिक करके आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी इस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए हो गया एडजस्ट। यहाँ से डबल क्लिक मारिए, सॉरी, यहाँ से आप इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए इस तरीके से और यहाँ से भी इसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, ये बिल्कुल परफेक्टली शेप में एडजस्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करके फिर से ग्रुप कर देना है, कंट्रोल जी। कंट्रोल जी ग्रुप करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट टूल लेना है और यहाँ पर आपको लिखना है वोडाफोन। वोडाफोन लिखने के बाद आपको सिलेक्शन टूल लेना है, इस फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद यहाँ से इसके फॉन्ट का स्टाइल एरियल ब्लैक लेना है और उसके बाद इसको उठा करके यहाँ पर इसे एडजस्ट कर देना है। सिलेक्शन टूल यूज़ करना है दोनों को सिलेक्ट करके और सी दबा देना है। सी से सेंटर में एडजस्ट हो जाएगा ये, और शेप का एक डुप्लीकेट ले लेना है आपको लोगों का, और उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा करना है इस तरीके से। छोटा करके यहाँ ले आइए, जूम करिए, इसको और थोड़ा सा छोटा करिए इस तरीके से। ओके, बिल्कुल बराबर में आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है इसको, बिल्कुल इस तरीके से, ये हो गया एडजस्ट। और उसके बाद इस वोडाफोन को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस के दबा दीजिए ब्रेकअप आर्ट के लिए, तो ये जितने भी वर्ड्स होंगे आपके सारे अलग अलग हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ इसके पीछे जो ओ दिखाई दे रहा है इसको आप डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद वोडाफोन को यहाँ पर सेट कर दीजिए और उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके इस तरीके से ग्रुप कर दीजिए, कंट्रोल प्लस जी। ग्रुप करने के बाद आप पी दबाइए, पे इसे पेज के सेंटर में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए इस तरीके से, और उसके बाद F4 दबाइए, F4 से फोकस में आ जाएगा। F9 दबाइए, F9 से फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो दोस्तों ये बन गया हमारा वोडाफोन का लोगो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।